नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 13 चैप्टर खत्म कर चुके। आपका 13वां चैप्टर था परिवहन तथा संचार व्यवस्था के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर उत्तर प्रदेश से संबंधित खत्म होते जा रहे हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। इसमें बात करेंगे हम लोग प्रसिद्ध नगर तथा पर्यटन स्थलों के बारे में। ठीक है, ये सभी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही सभ्यता के विकास का मूल केंद्र रहा है। यह प्रदेश ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों के लिए विश्व विरासत विख्यात है। संपूर्ण देश और विश्व के लोग इन स्थानों के भ्रमण के लिए वर्ष भर आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश रामायण तथा महाभारत दोनों महाकाव्यों में वर्णित घटनाओं का केंद्र बिंदु रहा है। प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं पर्यटक स्थलों का विवरण देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आगरा। आगरा यमुना नदी के किनारे है। किस किनारे? किस नदी के? यमुना नदी के। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक नगर है। यह संपूर्ण विश्व में ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आपका ताजमहल कहाँ है? आगरा में। प्राचीन काल में से अगवन आर्यगिरह आगरा के नाम से जाना जाता था। इस नगर का ऐतिहासिक महत्व तब बढ़ा जब अफगान शासक सिकंदर लोदी ने इसे अपनी राजधानी बनाया। 1526 में जब बाबर ने पानीपत के समीप सिकंदर लोदी को परास्त कर दिया, तब इस नगर को आधुनिक रूप दिया गया। इस नगर के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं ताजमहल। इसका नगर निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुगल सामग्री मुमताज महल की स्मृति में याद में बनवाया था। विश्व की सर्वश्रेष्ठ इमारत में से एक इस ताजमहल का निर्माण पारसियन वास्तुविद उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में 20,000 कारीगरों एवं मजदूरों ने मिलकर लगभग 17 वर्ष में पूरा किया था। ठीक है, फिर लाल किला। लाल किला, इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1556 में शुरू किया। ये आगरा में है। ठीक है, आगरा का लाल किला दिल्ली का अलग है। ठीक है, इसके संपूर्ण निर्माण में 4 मुगल शासकों का योगदान रहा। किले में दर्शनीय स्थलों में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, मोसम्मन बुर्ज, खास महल, शीश महल, अंगूरी बाग और जहांगीर का महल शामिल है। जामा मस्जिद लाल किले के सामने दिल्ली द्वार की ओर निर्मित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1644 में करवाया। इत्मतदौला, इस आकर्षक ऐतिहासिक इमारत का निर्माण मुगल शासक जहांगीर की बीवी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयासुद्दीन बेग की स्मृति में बनवाया था। इससे मिलती जुलती एक अन्य इमारत का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट अपने पति जहांगीर के लिए भी बनवाया था। ठीक, फिर अकबर का मकबरा। नगर से 10 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने स्वयं आरंभ कराया, जिसे सन 1613 में जहांगीर ने पूरा करवाया। ठीक है, फिर चीनी का रोजा इत्मतदौला के समीप ही स्थित, इसमें अफजल खां का मकबरा है जो मुगल शासक शाहजहां का प्रधानमंत्री था। और आगे बात करें रामबाग, चीनी का रोजा के पास स्थित है, जो कि मुगल शासकों के समय की बाग संरचना का आकर्षक नमूना है। इसका निर्माण बाबर ने सन 1526 में करवाया था। दयाल बाग राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा सफ़ेद संगमरमर से निर्मित आकर्षित इमारत तथा पर्यटकों के आकर्षक का प्रमुख केंद्र है। इसका निर्माण गत 70 वर्षों से आरंभ है तथा अभी पूर्ण नहीं हुआ। फतेहपुर सिकरी आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित तथा मुगल संत शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान है। यह मुगल शासक अकबर की कुछ समय तक राजधानी भी रहा है। इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जामा मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल,
मरियम का महल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, नौबत खाना, बुलंद दरवाज़ा आदि। इन्हें देखने सैकड़ों पर्यटक यहाँ आते हैं। उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीत उस्ताद फयाद खां का आगरा में जन्म भी हुआ था। फिर है आपका लखनऊ। यह प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। पूछ लेता है लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर था। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसे बसाया था। नवाबों ने इस नगर में अनेक भवनों का निर्माण किया, जिसमें सबसे बड़ा छोटा इमामबाड़ा, बरादरी, रूसी दरवाज़ा, 76 मंजिल, दिलखुश रेसिडेंसी प्रमुख, आधुनिक भवनों में विधानसभा भवन और चार बाग रेलवे स्टेशन नाम उल्लेखनीय है। इस नगर को बागों का नगर भी कहा जाता है, इस नगर को, लखनऊ को, ठीक है। यह राजकीय संग्रहालय भी है यहाँ पर। इसकी स्थापना 1863 में की गई। चिकन और जरी के काम का यह प्रमुख केंद्र भी है लखनऊ। 500 वर्ष पुरानी मुस्लिम संत साय मीना की कब्र भी यहाँ पर स्थित है। फिर है आपका कानपुर। प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, याद रखिए, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यह सूती व ऊनी कपड़ों की मिलें बहुसंख्या में हैं। चमड़े का काम विशाल पैमाने पर होता है। 1897 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्थलों में से एक है कानपुर। आपका कानपुर रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ पर सभी दिशाओं में 6 रेल मार्ग आकर मिलते हैं। यह उत्तर भारत का मुख्य वितरण तथा संग्रहण केंद्र है, जहाँ निकटवर्ती क्षेत्र में गुड़, गेहूँ, कपास आदि एकत्रित किया जाता है। वनस्पति घी, निरोध तथा हवाई जहाज के पुर्जे बनाने के कारखाने भी हैं यहाँ पर। यहाँ साबुन, प्लास्टिक की वस्तुएं, मोजे, बनियान आदि बनाने के कारखाने भी हैं कानपुर में। फिर है आपका इलाहाबाद, प्रयागराज। विदेश का यह नगर विश्व के प्राचीन नगरों में से एक है। यह गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। इसके आसपास का क्षेत्र उपजाऊ और जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। प्राचीन काल में हिंदू विद्वानों का यह प्रिय स्थान था। अब भी इसकी गणना धार्मिक नगरी में की जाती। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। अकबर बादशाह ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद रखा। इसका अर्थ होता है ईश्वर का निवास स्थान। इसकी प्राकृतिक स्थिति यह है कि हमेशा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। यह रेल मार्गों का भी एक बड़ा केंद्र है। यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में संगम पर माघ मेला और 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है, जिसमें लाखों हिंदू गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। यह व्यापारिक केंद्र भी है, जहाँ समीपवर्ती भागों में तंबाकू, अलसी, ज्वार, बाजरा इकट्ठे किए जाते हैं। जहाँ तेल निकालने, आटा पीसने और कांच बनाने के कारखाने भी हैं। यहाँ भारत के कुछ प्रसिद्ध कारखाने भी हैं। देश के प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी यहीं पर हैं। इलाहाबाद के प्रमुख पर्यटक स्थलों में अकबर का किला, खुसरो का मकबरा, अक्षय वृक्ष, आनंद भवन, संग्रहालय, प्लेनेटोरियम आदि। शताब्दी के पहले महाकुंभ का आयोजन जनवरी फरवरी 2001 में यहीं हुआ था। फिर बात करते हैं वाराणसी, काशी। यह नगर गंगा नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है, बाएं, और इलाहाबाद की भांति यह भी बहुत प्राचीन नगर है। यह आर्यों की सभ्यता का केंद्र है। गंगा को हिंदू यहाँ अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि इसका प्रवाह उत्तर की ओर से है, जिधर भगवान शिव का पवित्र आवास कैलाश है। हिंदू यात्रियों के लिए यह धार्मिक केंद्र है। यहीं पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यह रेल मार्गों का एक बड़ा केंद्र है। रेशम के कपड़े, जरी के काम और कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है आपका वाराणसी। यह हाथी के दांत का सामान, रेशम पर जरी काम, लकड़ी के खिलौने, लाख की चूड़ियाँ, जर्दा, तंबाकू तथा इत्र अधिक बनाया जाता है। शिव मतावलंबियों का केंद्र भगवान विश्वनाथ का मंदिर यहाँ है। इसके अलावा आलमगीर का मकबरा, भारत माता का मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन, दुर्गा मंदिर और रामनगर किला भी देखने योग्य है, ठीक है।
वाराणसी की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं। फिर है आपका बरेली। यह नगर रामगंगा के किनारे पर बसा हुआ है। मुगल सम्राटों के समय फौजी नगर था। अब यहाँ पर एक फौजी छावनी है। लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए आपका बरेली प्रसिद्ध है। इसके समीप दिया सलाई फर्नीचर लकड़ी से तारपीन का तेल निकालने का कारखाना है। यहाँ सूती कपड़े की मिलें तथा गंधा बिरोजा तैयार करने के कारखाने भी हैं। फिर है आपका सारनाथ। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर सारनाथ के ध्वंसावशेष हैं। यहाँ पर ईसा की पूर्व छठा शताब्दी में गौतम बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन किया। इस स्थान पर एक स्तूप भी है। फिर है मेरठ। यह कृषि प्रधान क्षेत्र का प्रमुख केंद्र और गंगा तथा यमुना द्वाब के मध्यवर्ती भाग में बसा हुआ है। यहाँ से 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम चिंगारी फूटी थी। यहाँ प्रदेश का मुख्य फौजी छावनी है। यह रेल मार्गों का बड़ा केंद्र है। कृषिगत वस्तुओं के व्यापार का भी यह मुख्य केंद्र है। यहाँ गेहूँ कपास दाल तिलहन गुड़ का व्यापार होता है मेरठ में। यहाँ लोहे की वस्तुएँ कैंची चाकुएँ छुरियाँ सरौती अधिक बनाए जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश की गुड़ की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर यहाँ चीनी की कई मिलें हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश का किताबों का एक प्रमुख विकासन स्थल भी है। फिर मिर्जापुर। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर यह नगर उपजाऊ मिट्टी की एक पट्टी में बसा हुआ है। यह व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। विशेषकर कपास और लाख का यह अच्छे कालीनों कंबलों और रेशम कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे कांसे अन्य धातुओं के बर्तन भी बनाए जाते हैं। फिर है मुरादाबाद। यह नगर रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कृषि वस्तुओं के व्यापार का केंद्र है। कलई के किए गए पीतल के बर्तनों के लिए यह नगर प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ चीनी व कपड़े मिले की मिलें भी हैं। अलीगढ़। यह नगर विशेषकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ताले छुरियाँ कैंचियाँ सरौती आदि बनाने के कारखाने भी हैं। यहाँ एक बड़ा डेयरी फार्म भी है जहाँ मक्खन और पनीर बनाया जाता है। घोड़े पालने के लिए भी यह नगर प्रसिद्ध है अलीगढ़। फिर है आपका गोरखपुर। यह नगर राप्ती नदी के किनारे है। याद रखिए गोरखपुर आपका राप्ती नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है और एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह लकड़ी और चीनी के व्यापार की प्रमुख मंडी भी है यहाँ पर। यहाँ कैप तथा रोएदार तौलिए सूत और ऊन के मिले हुए धुस्से चीनी बहुत बनाई जाती है। यहीं से भारत का प्रमुख धार्मिक मासिक पत्र कल्याण का प्रकाशन होता है जो धार्मिक पुस्तकों के प्रसिद्ध प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन है। फिर दाऊजी। यह स्थान मथुरा से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मंदिर है। वर्ष में 2 बार यहाँ मेला लगता है। ठीक। फिर है आपका फरुखाबाद। यह गंगा किनारे के बाएं किनारे पर स्थित प्राचीन प्रसिद्ध नगर है। रेलों का जंक्शन है यहाँ रेलों का। यह पीतल के बर्तनों के कारखाने शीत भंडार और तेल की मिले हैं। तांबे पीतल के बर्तन पर्दे साड़ी छीटों आदि की छपाई यहाँ अच्छी होती है। तंबाकू आलू और खरबूजे के लिए भी यह नगर प्रसिद्ध है फरुखाबाद। फिरोजाबाद। यह आगरा और इटावा के बीच प्रमुख जिलों एवं रेलवे स्टेशन है जहां भारत में सबसे अधिक कांच की चूड़ियां हैं सजावट की कांच की वस्तुएं हैं वैज्ञानिक उपकरण बल्ब आदि बनाए जाते हैं। फिर है आपका देवा। बाराबंकी से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली साय का मजार है। कार्तिक माह में यहाँ मेला लगता है। फिर है आपका मथुरा। मथुरा आपका यमुना नदी के दाएं किनारे पर स्थित मुख्य रेलवे जंक्शन है। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है प्रसिद्ध। यहाँ पर पीतल की मूर्तियाँ हाथ का कागज श्रृंगार की वस्तुएँ पत्थरों की वस्तुएँ पेड़े बहुत बनाए जाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म स्थान और द्वारकाधीश का मंदिर विश्राम घाट यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। मथुरा रिफाइनरी के स्थापित हो जाने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। ठीक। फिर है आपका सहारनपुर। मेरठ से लगभग 122 किलोमीटर उत्तर की ओर की तरफ सहारनपुर स्थित है। यह प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। यहाँ से निकटवर्ती स्थानों
सड़कें गई हैं। यहाँ दफ्ती और मोटा कागज, कपड़ा बुनने, चमड़े का सामान बनाने, लकड़ी पर नक्काशी का काम किया जाता है। फिर है गाजीपुर। यह नगर गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह रेलवे का प्रमुख जंक्शन है। यहाँ गुलाब जल, चीनी और तथा अफीम बहुत बनाई जाती है। फिर है हापुड़। मेरठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर यह नगर स्थित है। यहाँ रेलवे जंक्शन भी है। यह गाजियाबाद जिले की प्रसिद्ध व्यापारिक मंडी है। यहाँ तिलहन, गुड़, गल्ले, कपास की व्यापार अधिक होता है। ठीक है। फिर है आपका गोला, गोकर्ण नाथ। लखीमपुर खेरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित गोला गोकर्णनाथ एक बड़ी झील है। यहाँ पर पास ही गोकर्णनाथ महादेव मंदिर भी है। जौनपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह नगर सरकी राजाओं की राजधानी रहा है। इब्राहिम सरकी द्वारा निर्मित अनेक मस्जिद और किले यहाँ बने हुए हैं। सन 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने इसे अपनी राजधानी में बनाया था। फिर है चुनार। यह नगर गंगा तट पर बसा है। चुनार का किला अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से संबद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि राजा भर्तृहरि ने सिंहासन छोड़कर यहीं तप किया था। कन्नौज, यह नगर सम्राट हर्ष और बाद में प्रीतिहारों की राजधानी रहा है। इत्र का व्यवसाय, नक्काशी का काम यहाँ सबसे अधिक होता है। अब इसे जिला बना दिया गया है कन्नौज को। हस्तिनापुर, मेरठ से लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी थी। यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। कंपिल, यह रामेश्वरनाथ और कामेश्वरनाथ के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह पहले गंगा के किनारे स्थित है। यह फरुखाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। फिर है आपका राजापुर। राजापुर बांदा से लगभग 99 किलोमीटर दूरी पर राजापुर स्थित है। यह तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, इसी कारण प्रसिद्ध है। अयोध्या, यह स्थान फैजाबाद जिले में स्थित सरयू नदी के किनारे बसा है। यह भगवान राम का जन्म स्थान है। प्राचीन काल में शक्तिशाली हिंदू राजाओं की यह राजधानी थी। उस समय सुंग के शिलालेख खुदाई में यहाँ मिले। वर्तमान में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विकर्ण के कारण यह चर्चित है। मगहर, गोरखपुर जिले से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित मगहर संत कबीर का महाप्रयाण स्थान है। कबीर पंथियों का यह तीर्थ स्थल है। फिर बोगरमऊ, यह जिला उन्नाव का एक कस्बा है। यहाँ राजराजेश्वरी श्री विद्या का मंदिर है, जिसमें जगदम्बा की अष्टधातु की मूर्ति है। मंदिर कुंडलिनी योग विचारधारा पर आधारित है। वासा, बाराबंकी जिले से 16 किलोमीटर दूर स्थित वासा सूफी संत सैयद अब्दुल रज्जाक की दरगाह के कारण प्रसिद्ध है। फिर है आपका बहराइच। यह प्रदेश का पूर्वी जिला है। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आए मुसलमान फकीर सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। उनके वश पर हजारों मुसलमान अनुयायी यहाँ एकत्रित होते हैं। बरसाना, यह मथुरा जिले में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण की उपासिका राधा का जन्म स्थान है। फिर बिठूर कानपुर के उत्तर पश्चिम में 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहाँ रहीं। कार्तिक मास में यहाँ एक मेला लगता है। फिर है देवबंद। मुजफ्फरनगर से 54 किलोमीटर दूर देवबंद में देवी दुर्गा मंदिर है। अरबी भाषा से संबद्ध एक संस्था भी है यहाँ, जिसका नाम है दारुल उलूम देवगढ़। यह स्थान ललितपुर जिले से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित है। दस अवतार विष्णु भगवान का मध्यकालीन मंदिर, जो स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहीं पर है। ठीक है। आगे बात करें देवीपाटन, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उत्तर पूर्वी रेलवे के तुलसीपुर स्टेशन के पास देवीपाटन स्थित। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने जिनके पास से विक्रमी संवत चला है, इस मंदिर में देवी पाटेश्वरी की प्रतिमा स्थापित की थी। फिर है गढ़मुक्तेश्वर। यह स्थान मेरठ से 42 किलोमीटर दूर स्थित है और गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है।
प्राचीन काल में यह नगर हस्तिनापुर का एक भाग था। मुक्तेश्वर शिव का एक मंदिर और प्राचीन शिवलिंग कारखंडेश्वर यहीं स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक मेला, बड़ा मेला लगता है। फिर आपका गाजियाबाद, यह नगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में अलीगढ़ दिल्ली मार्ग पर दिल्ली से लगभग 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ चीनी, रंग, रोगन, दवाएं, कांच की वस्तुएं, पोटरीज, वनस्पति घी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के कारखाने। यहाँ का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केंद्र सरकार का प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान है। फिर है आपका कालपी। कालपी या झांसी कानपुर मार्ग पर भोगनीपुर के पास स्थित है, जो पहले महारानी लक्ष्मीबाई की छावनी था। इस स्थान में व्यास और नरसिंह के टीले स्थित हैं, जिनके संबंध में यह मान्यता है कि व्यास टीले पर महर्षि व्यास का आश्रम तथा नरसिंह टीले पर भगवान नरसिंह के ने अवतार लिया था। फिर आपका कुशीनगर, देवरिया जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित कुशीनगर कसिया के नाम से प्रसिद्ध है। यह बौद्धों का तीर्थ स्थान है। महात्मा बौद्ध ने यहीं पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यहाँ एक स्तूप है जहाँ भगवान बुद्ध की एक विशाल लेटी हुई मुद्रा से मूर्ति है। फिर नैमी सारण मिश्रिक, सीतापुर से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित नैमी सारण में महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां राक्षसों के नाश को दी थी। नैमी सारण को चक्र तीर्थ भी कहते हैं, जिसका संबंध भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से है। फिर आपका नंदगांव, मथुरा से लगभग 48 किलोमीटर उत्तर में यह एक ग्राम जहाँ नंद बाबा व यशोदा माँ का घर है, जहाँ भगवान कृष्ण का बाल्यकाल बीता है। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नगर हैं उनके उपनाम, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हैं आपके नगर, ये उपनाम दिए गए। प्रयागराज, इलाहाबाद, इसे संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज और अमरूद नगरी भी कहा जाता है। मल्लाहाबाद, लखनऊ को आमों का नगर भी कहते हैं। गोरखपुर, गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर, कानपुर को चरम नगर, उद्योग नगर, भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। गाजियाबाद, छोटा दिल्ली, उद्योग नगरी भी कहते हैं। अयोध्या, इसे तीर्थ नगर, रामनगर, राम जन्मभूमि कहते हैं। मेरठ, कैंची नगर, क्रांति नगर इसका अन्य नाम है। कन्नौज को इत्र नगर, खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं। रामपुर को नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर। आगरा को ताज नगरी और पीठा नगरी। फिरोजाबाद को सुहागन नगरी, चूड़ी नगरी। ठीक, फिर है आपका मथुरा, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर, पन्नों की नगरी भी कहते हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी, बरेली को बांस बरेली और सुरमा नगरी कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर। मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तनों का शहर। वाराणसी को विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, साढ़ सैणी नगर और पन्नों का नगर, घाटों का नगर। जौनपुर को सिराज हिंद कहते हैं। फिर प्रयाग, वर्तमान इलाहाबाद, गंगा, यमुना आदि सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयाग तीर्थराज कहा जाता है। अशोक तथा समुद्रगुप्त के शिलालेख, अकबर द्वारा निर्मित किला, नगर अक्षरवाट और भारद्वाज आश्रम के लिए प्रसिद्ध प्रयाग। फिर शाकुम्भरी देवी, सहारनपुर से लगभग 41 किलोमीटर दूर स्थित शाकुम्भरी देवी का मंदिर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। नवरात्रि में यह मेला लगता है। आपका झांसी है। फिर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित झांसी एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर है। यह मध्य रेलवे का प्रमुख जंक्शन और डिवीजन मुख्यालय है। मुगलों ने यह 1613 में एक किले का निर्माण कराया था। 18 जून 1858 को यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर में अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वतंत्रता से पूर्व यह देश प्रमुख क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है। यह छावनी किला देवगढ़ प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ अनेक उद्योगों की स्थापना हुई। केंद्र सरकार यहाँ ट्रांसफार्मर फैक्ट्री स्थापित
की है भेल, फिर रायबरेली लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित यह प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यहाँ अनेक प्राचीन इमारतें हैं जिनमें किला, महल, कुछ सुंदर मस्जिदें हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण साथ ही नगर की तीव्र गति से विकास हुआ है। यहाँ अनेक उद्योगों की स्थापना की गई जिनमें केंद्र सरकार की इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज मुख्य, पर्यटन केंद्र। आदिकाल से ही पर्यटन प्रवृत्ति मानव की ज्ञान वृद्धि तथा पारस्परिक सौहार्द की अभिवृद्धि में मददगार रही है। वर्तमान संदर्भ में पर्यटन को संसार के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग का प्रमुख रूप दिया जा रहा है। पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जा रहा है। विदेश में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल जैसे श्रावस्ती, सारनाथ, संगीता, कौसाम्बी आदि भारतीय भक्तजनों के अलावा जापान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि देशों के पर्यटकों के लिए विशेष दर्शनीय केंद्र हैं। वाराणसी, नैमिषारण्य, प्रयागराज आदि प्राचीनतम तीर्थ स्थल हैं। हिंदू और मुगल कालीन उत्कृष्ट स्थापत्य कला के भवन मुख्यतः आपके आगरा, अयोध्या, सारनाथ, वाराणसी, मथुरा, प्रयाग आदि नगरों में हैं। अपनी विविध जलवायु एवं प्राकृतिक विभिन्नता के कारण उत्तर प्रदेश को संसार का सबसे अधिक आकर्षित और रोमांचकारी स्थल होने का सौभाग्य प्राप्त है। विशाल हिमगिरी से विंध्य की पहाड़ियों तक फैला यह प्रदेश प्राचीन काल से आर्यावर्त और मध्य देश कहलाता था। इस देश का प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनोहारी है, आकर्षक तथा विविधतापूर्ण है कि शायद ही विश्व का कोई भूभाग इससे प्रतिस्पर्धा कर सके। अभी वन लाइन में है, थोड़े क्वेश्चन इन्हें भी याद रखिए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार। आगरा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है। ताजमहल का निर्माण 20,000 कारीगरों एवं मजदूरों ने 17 साल में पूरा किया। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने 1644 में करवाया। फतेहपुर सिकरी आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मेरठ कृषि प्रधान क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम चिंगारी आपकी मेरठ से फूटी थी। मेरठ उत्तर प्रदेश की गुड़ की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ मेरठ उत्तर प्रदेश किताबों का एक प्रकाशन मंडल भी है। मिर्जापुर अच्छे कालीन कंबलों तथा रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गाजियाबाद भारत का इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड केंद्र का प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान है। झांसी मध्य रेलवे का प्रमुख जंक्शन और डिवीजन मुख्यालय भी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये थे आपके प्रसिद्ध नगर तथा पर्यटन स्थलों से संबंधित मुख्य तत्व। अब इन्हीं से संबंधित आपके हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, ठीक है, जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार। तो पहला है, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ है आपका? तो याद रखना वाराणसी में है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, सरकी शासकों द्वारा निर्मित मस्जिदें निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? तो यह है आपकी जौनपुर में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन तीसरा, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है आपको फैजाबाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार है, उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों एवं वहां के दर्शनीय स्थलों के जोड़े दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। आगरा, ताजमहल, लखनऊ इमामबाड़ा, वाराणसी विश्वनाथ मंदिर और इलाहाबाद सारनाथ, गलत है, डी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। सारनाथ जो स्तूप है आपका ये वाराणसी के पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पाँच, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में, सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर सिक्स, संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? तो याद रखना है लोधेश्वर में, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सात है आपका, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? याद रखिए वाराबंकी में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आठ, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है आपका? तो याद रखिए बेठूर में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नौ, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो याद रखना फतेहपुर सिकरी में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दस है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो याद रखिए कौसाम्बी में, कहाँ है?
कौसाम्बी में। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 11, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिठूर में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये फतेहपुर सीकरी में है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो याद रखना कौसाम्बी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सूची एक और सूची दो, सूची एक में मंदिर हैं और जनपद हैं आपके, तो इसमें आपका होगा 11 में बी, दशावतार मंदिर आपका ये है झांसी में, बाबा सोमनाथ मंदिर ये आपका देवरिया में, ऋषि सिंगी ऋषि का मंदिर ये आपका फरुखाबाद, वराह भगवान का मंदिर एटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? नहीं है, सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखना इसमें हस्तिनापुर 12 मेरठ में है, सही है। क्वेश्चन नंबर फिर सी ऑप्शन है, विंध्याचल मिर्जापुर देवा शरीफ ए बाराबंकी सिंगेश्वर बांदा में नहीं है, तो इसमें होगा आपका ए, 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूती संत सूफी संत हाजी वारिस अली साई की मजार पर मेला लगता है, तो याद रखना 13 का आपका होगा सी, देवा शरीफ में 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, तो याद रखना 14 में आपका वाराणसी होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, वह प्राचीनतम स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था, यह है आपका नैमिषारण्य, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में तीर्थ स्थल? यह आपका सीतापुर में। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखना लुम्बिनी में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखें 18 का एटा, एटा में। क्वेश्चन नंबर 19, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने, 19 का आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो याद रखना आगरा में। क्वेश्चन नंबर 21, लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई? याद रखना 1863 में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, फतेहपुर सीकरी आगरा शहर से कितनी दूरी पर है? तो याद रखना 40 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, अमरूद नगरी किसको कहा जाता है? तो याद रखना इलाहाबाद को। क्वेश्चन नंबर 24, इत्र नगरी किस नगर को कहते हैं? तो याद रखना कन्नौज को। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान कब दिया? तो याद रखना 18 जून 1858। चलिए, तो ये थे आपके प्रमुख उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रसिद्ध नगर और पर्यटन स्थल। आगे हम लोग बात करेंगे नदियाँ तथा झीलें उत्तर प्रदेश की। ठीक है।